सोहन जी फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है हंटर का, जो रॉयल इनफील्ड की नई बाइक आई है। पिछले ही महीने मेरे फ्रेंड ने ली थी ये बाइक, सो आज मैं इसकी ऑफ रोडिंग करने जा रहा हूं। तो मेरा जो सेटअप है वो आपको मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। गोप्रो मेरा लग चुका है। सो हंटर में कुछ एसेसरी जो है वो डलवाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा ऑफ रोड करने। तो ऑफ रोड का क्या एक्सपीरियंस रहा हंटर का वो मैं आपको बताता हूँ। सो फिलहाल मैं आपको एसेसरी बता देता हूँ क्या क्या इसने नया डलवाया है हंटर में। सो ये आप देख सकते हैं, एक तो ये लेग गार्ड और एक ये प्लेट डलवाई है नई, जो काफ़ी गंदी हो रखी है अभी। सो लेग गार्ड जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे हंटर का। अभी मैं आपको ऑफ रोड भी दिखा देता हूँ। ऑफ रोड कुछ ऐसा रहेगा, इससे भी ज़्यादा थोड़ा ख़राब है नीचे जैसे। तो मेरी भी फर्स्ट राइड रहेगी ये हंटर की ऑफ रोड के लिए। सो अभी निकलते हैं सीधा ऑफ रोड। अभी आगे की जो वीडियो रहेगी वो गोप्रो पे रहेगी। सो मिलते हैं ऑफ रोड में। ऑफ रोडिंग के लिए मैं हो चुका हूँ तैयार। कुछ आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा सेटअप है। गोप्रो और हंटर बाइक है रॉयल इनफील्ड की, जो अभी नई आई है। सो पहले मैं चला रहा था अपना क्लासिक 350। तो हंटर भी 350 है, बट जो अभी नए इन्होंने चेंजेस किए हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ऑफ रोड पे कैसे चल रही है ये बाइक। सो चलते हैं सीधा वहीं। सो हेलो, अभी हो चुके ऑफ राइडिंग स्टार्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी हो रखा है यहाँ पे, और ये जो रोड है ये मेरे गांव के जस्ट 500 मीटर की दूरी पे है, जो कि अभी फ़िलहाल बना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है ये। तो ऐसे रोडों पे जो नई बाइक है चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका किसी पुरानी बाइक पे हाथ बैठा हो तब आप वहाँ पे मस्त चलाते हो, बट जब आप नई बाइक लेते हो तब उस पर थोड़ा हाथ जो है बैठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फिलहाल अभी ऑफ रोडिंग के लिए निकल ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है। पहले ये हालात नहीं थे ऐसे, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है रोड ये। जो मेरा एक्सपीरियंस रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है इस बाइक के साथ, क्योंकि मैंने एक दो बार पहले भी चलाई है बट ऑफ रोड पे नहीं चलाई है। ऑफ रोड पे ये मेरा पहली राइड है। पिछले साल मैं लेह लद्दाख गया था, तो तब काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया मैंने। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब आप एक ऐसे ट्रिप पे जाते हो जहाँ पे आप कभी गए ना हो, और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं रोड को, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है ये। बरसातों की वजह से ये रोड जो है ये और ख़राब हो जाता है, बट लेकिन जाते हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती इस रोड पर, आते हुए काफ़ी दिक्कत होने वाली है मुझे लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस से। सो ले लद्दाख की मैं आपको बात सुना रहा था, तब जब मैं अपना रॉयल इनफील्ड लेके गया था 350 क्लासिक जो मेरे पास है, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हम दो बंदे थे 350 पे ही, और काफ़ी ज़्यादा उसने अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। 2016 मॉडल था फिर भी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा चला लेह लद्दाख में, जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छा चला। क्योंकि अगर आप टाइम टाइम पे हर चीज़ की सर्विस करवा रहे हो, जैसे बाइक या गाड़ी, तो वो आपको अच्छा रिस्पांस देगी। और आपको 350 की बात बताता हूँ कि जब मैंने एक रिवर क्रॉस किया, काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी था, तब थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि पहली बार था मेरा वो रिवर क्रॉसिंग, लेकिन काफ़ी अच्छा मेरा वो रिस्पांस रहा। मेरे जो बाइक है रॉयल इनफील्ड की वो उस पानी में रुकी नहीं, क्योंकि पानी उसके साइलेंसर के अंदर जा चुका था, बट फिर भी वो रुकी नहीं। सो यही होता है कि आप जब टाइम टाइम पे सर्विस करवाते हो तो एक अच्छा आपको रिस्पांस देती है बाइक भी अपनी। सो मैं आपको यही बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी बाइक ले कर निकलते हो कहीं भी लॉन्ग रूट के लिए, उससे पहले आप सर्विस करवा लीजिए, उससे चेकअप कराइए उसका, कि उसमें क्या क्या खराबी है या फिर होने वाली है। सो ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस जो लेह लद्दाख में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ना ही मेरी बाइक को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे टूल लेके जाना तो ज़रूरी होता है लॉन्ग रूट पे, पर लेकिन फिर भी उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आज हंटर की मैं देख रहा हूँ कि हंटर का क्या ही रिस्पॉन्स रहने वाला ऑफ रोड पर। अभी हम कुछ दिनों में जो जिस विशाल भाई की ये बाइक है, सो अभी उन प्लान बना रहे हैं कि हम एक लॉन्ग रूट के लिए निकले वहाँ से। सो देखते हैं अभी लॉन्ग रूट कैसा हमारा रहता है एक्सप्लोर करने के लिए।
तो रास्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और की वजह से जो रोड है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और अभी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि विशाल भाई की बाइक है, तो आज के लिए जो ऑफ रोड है वो इतना ही है। जो नीचे जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश की वजह से स्लिपरी हो रखा है, इसलिए वहाँ पे बाइक लेके जाना मुमकिन नहीं है। तो ये आज का एक छोटा सा ऑफ रोड था, जल्दी हम एक लॉन्ग रूट के लिए निकलेंगे तो उसका भी एक ब्लॉग बनेगा सही से। काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं जब आप एक यूट्यूबर बनते हो या फिर शुरुआती तौर जब आपके चैनल होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं वर्ड जो हम कभी बोलते भी नहीं हैं वो भी आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ बोल ले देते हैं उसको एडिटिंग करना बाद में लगता है कि नहीं ठीक है या फिर टाल दें, तो ये कुछ नए एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप जैसे पहले दिन से वीडियो डाल रहे हो तो बहुत परफेक्ट बनेगी, थोड़ा टाइम हर चीज़ को लगता है और वो टाइम आपको देना पड़ता है यूट्यूब को। जैसे कुछ पिछले साल कुछ महीनों से मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखी कि चलो अभी यूट्यूब पे इतना फेमस तो नहीं हूँ बट फिर भी एक खुद में एक इतना हौसला सा आ रखा है कि अब मैं कहीं भी जैसे वो बोलते हैं ना कि 100 बंदों के बीच में खड़े होकर अगर अकेले को बोलना पड़े तो वो मैं अब ऐसे हो चुका है कि मैं बोल सकता हूँ सबके सामने, तो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ता है। और आप देखिए क्या ही पिकअप है इसकी ऑफ रोड में भी, और जो आप इसकी आप क्या बोलते हैं उसको हैंडल का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा हैंडल जो इसका काफ़ी ज़्यादा इसमें एक स्टेबिलिटी है, हिलता नहीं है। मतलब जैसे कई ऑफ रोड में आपकी बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिलती है बट नहीं, आपके हाथों में भी मजबूती होनी चाहिए बट लेकिन बाइक में भी आपकी मजबूती होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये, तो अभी देखते हैं इस रोड पे क्या ही इसका रिस्पांस रहने वाला है इस पैच पे, क्योंकि ये जो पैच है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब पैच है हमारा, और जो गियर है वो मेरा फर्स्ट गियर है। तो काफ़ी वेल एंड गुड मेरा जो रिस्पांस बाइक का जो हंटर का रिस्पांस रहा, और चलाने वाले पे भी डिपेंड होता है कि आप कैसे उस बाइक को चलाते हो। ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब आप चला रहे हो दूसरे तीसरे गियर पे ऑफ रोड पे और फुल स्पीड दे रखे, नहीं कभी वो ऐसा काम आपको करना ही नहीं है। तो एक छोटा सा पैच और आ चुका है इस पर भी, आप देखते हैं कि क्या रिस्पांस रहने वाला है हंटर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब पैच है ये। ये आप देख सकते हैं पानी, सो अभी फर्स्ट गियर पर डाल के अभी देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। वाह वाह वाह, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो रहा। तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस रहा बाइक का, सो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आपने देखा जैसे कि ऑफ रोड पे हंटर बाइक कैसे चलती है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, और जो नीचे एक प्लेट लगाई गई है वो भी एक सेफ्टी के लिए अच्छा पर्पस है। बट लेकिन जिनकी जो बाइक काफ़ी नीचे होती है जिनको लगता है कि बाइक लग जाएगी उनको प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ अगर आपकी बाइक की हाइट काफ़ी अच्छी है तो आप प्लेट लगा सकते हो, उससे ये होता है कि आपका जो इंजन है वो काफ़ी सेफ रहता है। सो हंटर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा ऑफ रोड का। तो अभी हम लॉन्ग रूट पर लेके जाएंगे, ये बस एक छोटा सा पैच मैंने कम्प्लीट किया था सिर्फ यही बताने के लिए कि हंटर का जो ऑफ रोड का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आता है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास हंटर है तो आपका रिस्पांस हंटर के साथ कहता रहा, क्योंकि अभी नई नई बाइक लॉन्च हुई है रॉयल इनफील्ड की, तो सभी को यही होता है कि भाई वो कैसे चलने वाली है। एवरेज की बात की जाए तो एवरेज जो है वो थोड़ी सी क्लासिक से कम है, 350 क्लासिक जो मेरे पास है उससे थोड़ी सी कम है। सो एवरेज मेरे हिसाब से जो निकल के आती है वो 30 से 35 के हिसाब से जो एवरेज है वो निकल के आती है, और बाकी आप पे चलाने पर डिपेंड होता है आप किस स्पीड पर चला रहे हो, सो उस पर भी एवरेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो अभी का एक्सपीरियंस यही रहा, अभी चलते हैं सीधा रोड पे, वहाँ पे जाके भी देखते हैं कि क्या रिस्पांस रहने वाला है स्पीड का और जो फिफ्थ गियर पे क्या टॉप स्पीड रहती है। तो अभी चलते हैं सीधा रोड पे,
सबको थैंक यू। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम मेन रोड पे। तो अभी देखते हैं कि इसमें पिकअप और स्पीड का क्या जो लिमिट रहती है। पिकअप तो इसकी काफ़ी अच्छी है, बट स्पीड मैं उतनी ज़्यादा नहीं दूंगा, बट फिर भी मैं उतने अपने लिमिट के हिसाब से चलाऊंगा कि ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये रोड चलता है। सो कभी भी आप जब आप बाइक टेस्टिंग कर रहे हो तो जब भी आप मेन रोड पर आते हैं तो लिमिट उतनी रखिए जितने आपके हाथों में कंट्रोल हो। तो अभी देखते हैं कि क्या पिकअप रहने वाली है। चलते हैं एक न्यू राइड पर। अगर पिकअप की बात की जाए तो स्पोर्ट्स बाइक के जैसे ही इसकी पिकअप है। मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि पिकअप क्या हिसाब से रहती है, बट स्पोर्ट्स बाइक जैसे इसकी पिकअप है। तो भी आवाज़ जो है थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, बट लेकिन नॉइज़ को करना पड़ता है इसी लिए। पे कैमरे लग चुके हैं, आपको दिखाता हूँ। ये ऊपरली वाली साइड आप देख रहे हैं कैमरे, और ये वहाँ आ चुका है।